तो अब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हमें यह समझने में मदद करता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फोर्स आता है। आप कोई भी दो चार्ज ले, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का फोर्स कितना होता है ये हम कुलम्स लॉ से पता करते हैं जो आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे। कुलम्स लॉ कहता है कि Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हैं जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच का फोर्स है K Q1 Q2 / r2। अब अगर मैं एक एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक ऐसा एटम जिसमें एटॉमिक नंबर z है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? z टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, e के बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बट ये पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो e के बराबर ही होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, ये एक्सप्रेशन अगर मैं यूज करूं, होगा K into ZE, जो Q1 के बराबर है न्यूक्लियर चार्ज, into E डिवाइडेड बाय r2। तो ये हम फोर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस की वजह से। बट एक्चुअली अगर हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो एफ से छोटा है, ये जो एफ की वैल्यू है उससे छोटा पाया जाता है। ये क्यों होता है? द रीजन फॉर दिस इज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जगह खाली नहीं है, उसमें दूसरे भी शेल्स हैं जिसमें और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, स्क्रीन करते हैं फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस, और इसी इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बुलाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ता है जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बुलाते हैं, वो क्या होता है। तो हमने ये देखा कि जो एक्सपेक्टेड फोर्स है उससे कम होती है एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स। एक्सपेक्टेड फोर्स क्या थी? K into ZE into E / r2। एक्चुअल फोर्स अगर कम है, इसको हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये कंप्लीटली अपना कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहा है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसका एक छोटा पार्ट ही है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दिस होल ZE चार्ज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, हो ये रहा है कि उसका एक छोटा पार्ट Z इफेक्टिव ही है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से फोर्स कम है। इसी Z इफेक्टिव को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बुलाते हैं। क्योंकि Z इफेक्टिव Z से छोटा है, हम ये कह सकते हैं कि Z इफेक्टिव Z माइनस सम क्वांटिटी है, क्योंकि वो Z से छोटा है। और ये जो माइनस क्वांटिटी है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसी सिग्मा को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बुलाते हैं। आई होप आप समझ गए कि Z इफेक्टिव क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, और उसका Z एक्चुअल से क्या रिलेशन है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है जिस पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी। ऐसा क्यों? दूर जाएगा तो बीच में ज्यादा शेल्स आएंगे तो स्क्रीनिंग ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हमको कौन से क्वांटम नंबर से पता चलता है? हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन से पता चलता है। तो एन की वैल्यू जितनी ज्यादा है स्क्रीनिंग की वैल्यू ज्यादा है। अब स्क्रीनिंग क्या होता है? सिग्मा होता है। तो सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा है तो जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू कम होगी, राइट? तो ज्यादा स्क्रीनिंग होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। अब इसका सिंपल एप्लीकेशन क्या है? इसका मतलब यह है कि 1s और 2s में अगर मैं Z इफेक्टिव कंपेयर करने की कोशिश करूं, 1s क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है उसकी स्क्रीनिंग कम होगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर मैं 4p और 3p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करने की कोशिश करूं, क्योंकि 4p में n की वैल्यू ज्यादा है उसमें स्क्रीनिंग ज्यादा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, हेंस 3p की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज्यादा होगी। ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंपेयर करने के लिए एक और फैक्टर जरूरी होता है, और ये फैक्टर है कि ऑर्बिटल कितना डिफ्यूज है। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा कम जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस करते हैं। डिफ्यूज से मेरा मतलब क्या है? अगर मैं s और p ऑर्बिटल्स की बात करूं, मान लीजिए ये सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लीजिए एक 2s है और एक 2p है, विच मींस डिस्टेंस सेम है न्यूक्लियस से। तो अगर आप देखें जो s सबशेल है,
ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है अराउंड द न्यूक्लियस, विच मीन्स इसमें हर जगह सेम फोर्स लगेगा। बट अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, ये थोड़ा फैला हुआ है, विच मीन्स देर आर सम रीजन जो ज्यादा दूर है तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल के ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज है एस सबशेल के, और इन जनरल आप देखोगे कि एस सबशेल सबसे कम डिफ्यूज है, पी उससे थोड़ा ज्यादा डिफ्यूज है, डी उससे और थोड़ा ज्यादा डिफ्यूज है, और एफ बहुत ज्यादा डिफ्यूज है। एंड फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा एस के लिए है क्योंकि वह सबसे कम डिफ्यूज है, और सबसे कम एफ सबशेल के लिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज है। तो इसकी एप्लीकेशन अगर मैं समझने की कोशिश करूं, अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन देखूं जिसके n की वैल्यू सेम है बट वो अलग अलग सबशेल में है, 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रिंसिपल से मैं कह सकता हूं क्योंकि 4s एक कम डिफ्यूज सबशेल में है, 4s का z इफेक्टिव ज्यादा होने वाला है 4p के इलेक्ट्रॉन से। सो टू मेक श्योर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक छोटा सवाल है आपके लिए। मान लीजिए एक एटम में, एक ही एटम की बात कर रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रॉन तीन अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, एक 3p, एक 5d और एक 5s, राइट? मैं चाहता हूं कि आप अरेंज करें इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स और सबशेल्स कंटेनिंग दीज ऑर्बिटल्स, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें सबसे कम होगा और किसमें सबसे ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो। तो हमने यहां पे दो प्रिंसिपल्स पढ़े, पहला प्रिंसिपल था कि क्लोजर और सबशेल है न्यूक्लियस के ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। अब इन तीनों सबशेल में क्लोजेस्ट किससे डिसाइड होता है, एन की वैल्यू से डिसाइड होता है, सबसे कम वैल्यू ऑफ एन जो है उसकी वैल्यू वो ज्यादा क्लोज होगी न्यूक्लियस से, और वो क्लियरली 3p सबशेल है। सो 3p सबशेल की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी जेड इफेक्टिव की क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, जो पहला प्रिंसिपल है। अब ये दोनों की n की वैल्यू सेम है, इन दोनों की इससे कम होगी z इफेक्टिव, बट इनमें कंपेयर करने के लिए हमको दूसरा प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। जो ज्यादा डिफ्यूज सबशेल है उसकी z इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है। अब 5s और 5d में ज्यादा डिफ्यूज 5d है और 5s कम डिफ्यूज है, तो 5s की z इफेक्टिव ज्यादा होगी और 5d की सबसे कम होगी। सो द ऑर्डर इज 3p की सबसे ज्यादा है, 5s की उससे थोड़ी कम है, और 5d की सबसे कम है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज है।